हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सिंध में पानी नायाब, जहां मिले वहां भी खराब। सिंध के बिलकते आवाम की आवाज अदालत ने सुन ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध के आलूदा पानी से मुतालिक केस की समाअत। वजीर आला सिंध अदालत में पेश। इंसानी फुजला जानबूझकर पीने के पानी में मिलाया जा रहा है, इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स, कहा आपको बुलाने का मकसद तलबी नहीं, अवाम के मसाइल हल करना है। कोशिश करेंगे कि जो भी मसाइल हैं उन्हें हल करें, हुक्म की तामील करेंगे, लेकिन जो काम एग्जीक्यूटिव का है उसे भी करने दिया जाए। वजीर आला सिंध अदालत में बोल पड़े, मसाइल के लिए हमारा कांधा इस्तेमाल कर लें। अदालत के रिमार्क्स, कांधे हमारे भी मजबूत हैं। वजीर आला सिंध का जवाब, अदालत का महमूदाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन की अलॉटमेंट से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म। वजीर आला सिंध को मॉनिटरिंग की हिदायत। पंजाब का पानी सिंध से ज्यादा गंदा है, इस मामले पर सिंध का मुस्बत चेहरा नहीं दिखाया गया। पानी का मसला एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का है। पंजाब की रिपोर्ट देखकर अदालत ने खुद कहा कि पहले वहां का हिसाब करना चाहिए था, यहां आकर आवाम से ज्यादती कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट में तलबी पर शिकवा भी कर दिया। मुराद अली शाह खुद तो 5 लाख बार जा सकता है बुलाने पे, रोजाना जा सकता है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को बुलाने से पहले जरूर उन्होंने सोचा समझा होगा, मैं यही कह सकता हूँ। धरने से बच निकलने वाली हुकूमती कश्ती को एक और भंवर का सामना। पीर ऑफ सियाल शरीफ ने हुकूमत और नून लीग से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 10 दिसंबर को फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में खत्मे नबूवत कन्वेंशन होगा, जलसे में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पीर ऑफ सियाल शरीफ के पास 15 अराकीन असेंबली के इस्तीफे मौजूद हैं। इंतजामिया को ये हिदायत देना चाहता हूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंटेनर मेरा 24 आवर्स के लिए तैयार रखें। 3 साल बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी फिर कंटेनर पर सवार होने को तैयार। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान को धरने की तैयारी की हिदायत कर दी। कहते हैं मॉडल टाउन रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तायुन हो चुका। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला के मुजरिम होने की शहादत है। कॉपी तो मिल गई लेकिन कुछ शकूक पैदा हो गए हैं। सानिहा मॉडल टाउन पर ओपोजिशन जमातें ताहिरुल कादरी के हम कदम। मुस्लिम लीकाफ के सरबराह चौधरी शुजात का ताहिरुल कादरी से राबिता, हर मोड़ पर साथ देने का ऐलान। शफकत महमूद ने भी वजीर आला और वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। GIT बनाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ के गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात पेश। हुसैन नवाज ने मुख्तलिफ वक्तों में 30,000 पाउंड और 11,60,000 यूरो नवाज शरीफ को भिजवाए। गवाह तैयब मलिक का बयान, वकील का इस्तगासा की गवाह नौरीन शहजाद पर एतराज, समाप्त कल तक मुलतवी। अदलिया और इदारों का सिंध और पंजाब में अलग अलग मयार है, ये दोहरा मयार अब नहीं चलेगा। खुर्शीद शाह की तनकीद, कहा कि बड़े जलसों के दावे करने वालों का गरूर कल खाक में मिला दिया। तहरीक इंसाफ के धरने में SSP पर तशद्दुद का केस। इमरान खान ने थाना सेक्रेटेरिएट में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुकदमे की समाप्त कल होगी।
फैजाबाद धरने में पुलिस ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ। इस्लामाबाद के आईजी खालिद खट्टक को ओहदे से हटा दिया गया। सुल्तान आजम तैमूरी नए आईजी इस्लामाबाद तैनात। स्वात में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। दो मतलूब दहशतगर्द असद और वहाब हलाक, दो सहूलतकार गिरफ्तार। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। कराची सीवीओ पर कत्ल नौजवान जाफिर के वालिद केस की तफ्तीश से मुतमईन, कहते हैं कि वजीर दाखला की दिलचस्पी के बायस मुलजिमान गिरफ्तार हुए। जाफिर को दोस्तों के साथ नाश्ते पर जाने की इजाजत दी थी। नाश्ते से वापसी पर जाफिर को ट्यूशन जाना था लेकिन वो कभी नहीं लौटा। बहुत फख्र है कि मैं यहाँ लाहौर में हूँ, बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन के पाकिस्तानी निजात मेयर सादिक खान को लाहौर भाग गया। बादशाही मस्जिद और शाही किले की सैर की, इकबाल के मजार पर हाजिरी भी दी। कहते हैं वालिद के पाकिस्तानी होने पर फख्र है, इस्लामाबाद और कराची भी जाऊंगा। मेयर लंदन का किसी भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू, रात 10 बजे देखिए सिर्फ आज न्यूज पर। कराची ता खैबर मुल्क का मौसम एकदम कूल। क्वेटा में दर्जे हरारत मनफी दस्तक गिरने से आवाम ठिठर गए। क्वेटा की ठंडी ठार हवाओं से कराची का मौसम भी सर्द। बाबरी मस्जिद की शहादत के जख्म 25 बरस बाद भी ताजा। जमहूरियत के दावेदार नाम निहाद सेक्युलर की आजाद कहलाने वाली अदलिया अब तक जिम्मेदारों को सजा देने में नाकाम। मस्जिद शहीद करने में बीजेपी की आला कयादत मुलव्वस थी। आलमी बरादरी का एहतजाज और मुखालिफत कुछ काम नहीं आया। अमरीकी सदर का इसराइल में अमरीकी सिफारतखाना तेल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़द्दस मुंतकिल करने का हतमी फैसला, आज रात ऐलान का इम्कान। फलस्तीनी ईसाइयों का ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरा, पोप फ्रांसिस भी अमरीकी इकदाम पर परेशान। मैं वचन देता हूँ कि महीने के 15 दिन खाना मैं बनाऊंगा। मैं वचन दी थी कि तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पासवर्ड प्रोटेक्ट करके अपने दिल में रखूंगी। मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने को तैयार। क्रिकेट के हीरो कोहली बॉलीवुड हीरोइन अनुष्का शर्मा को अगले हफ्ते अपना बना लेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी की पुरवकार तकरीब इटली में होगी। बिटिया को सरप्राइज देने की कोशिश में वालिद हादसे का शिकार हो गए। सेंटा क्लॉज के लिबास में मलबूस स्काई डाइवर दरख्त से टकराकर टांग तुड़वा बैठा। क्रिसमस की खुशी में बर्तानिया की कदीम टेट गैलरी रोशनियों में नहा गई। और अजीम कव्वाल अजीज मियां का गाया हुआ हर कलाम असर अंगेज, जिसने जब सुना इश्क हकीकी में गिरफ्तार हुए बिना नहीं रह सका। अजीम कव्वाल के चाहने वाले 17 साल बाद भी उन्हें भुला नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पानी के मसले से। सिंध में पानी का मसला आज का नहीं है, बरसों से आवाज उठाते अवाम चीख चीख कर खामोश हो गए हैं। आलूदा पानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो हुक्मरान भी हाजिर हो गए। अदालत ने जहर आलूद पानी पर इजहार बरहमी किया। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध के आवाम और अवामी नुमाइंदों के पानी में फर्क है। पीने के पानी में जानबूझकर इंसानी फुजला शामिल किया जा रहा है। अदालत ने वजीर आला सिंध को बुलवा कर कहा कि आपको बुलाने का मकसद पेशी नहीं, सिर्फ मामले का हल तलाश करना है।
सिंध में आलूदा पानी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया है। वाटर में पानी नहीं है, ट्रैफिक का सिस्टम भी सारा खराब है। ते में 10 दिन में 2-3 दिन आता है पानी, और बोरिंग का पानी इतना कड़वा है कि समझे कि उससे नहाना धोना कपड़े धोना सब कुछ बेकार। मेन रोड पे लाइन टूटी हुई है, सीएनजी पंप के पास कोई देखने वाला नहीं है। 10 दिन के बाद 2 दिन पानी आता है। हालत ये है कि आता हफ्ते में 1-2 दिन है, और वो भी अगर 1 दिन रखो तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते। अवाम तो आवाज मुसलसल उठा ही रहे थे, मामला अदालत ने उठाया तो अवामी नुमाइंदों की समझ में आया। सिंध के आलूदा पानी पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठी। सिंध के आवाम को पानी कैसा मिलता है और अवामी नुमाइंदे पानी कैसा पीते हैं? चीफ जस्टिस साकिब निसार बरहम हो गए। अदालत में हाजिर हुए वजीर आला सिंध, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सिंध में पानी की सूरत हाल बहुत तकलीफ दे है। वजीर आला साहब, आपको बुलाना तलब ही नहीं, पानी के मसले का हल तलाश करना है। बड़ी इज्जत और वकार से आपको बुलाया है, लोगों को आलूदा पानी से निजात दिलाना होगी। अदालत में आलूदा पानी से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई और बताया गया कि ये इंसानी फजला जानबूझकर पानी में शामिल किया जा रहा है। आप जहां कहें वहां जाकर एक एक बोतल पानी पी लेते हैं। अदालत ने वजीर आला से बास पुरस तो जवाब में वजीर आला भी बोल पड़े, कहा कि वाटर कमीशन की हिदायत पर सूबाई हुकूमत को बांध दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत के हाथ नहीं बांधना चाहते, जब तक मसाइल हल नहीं होते समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। वजीर आला सिंध ने हुकुम की तामील की, कहा कोशिश करेंगे जो जो मसाइल है उन्हें हल करें, लेकिन जो काम एग्जीक्यूटिव का है उसे भी करने दिया जाए। चीफ जस्टिस बोले, मसाइल के हल के लिए हमारा कंधा हाजिर है। जवाब में सिंध के खादिम ने कहा कि आवाम के वोट से मुंतखब हुए हैं, कंधे हमारे भी मजबूत हैं। अदालत में वजीर आला ने एतराफ किया कि नसासक काबिल अमल मंसूबा नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस बोले तो जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए, कौमी खजाने के नुकसान पर किसी को नदामत तक नहीं। शाह साहब, क्या आपने किसी के खिलाफ एक्शन लिया? अदालत ने महमूदाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन की अलॉटमेंट से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दिया और वजीर आला सिंध को खुद मॉनिटरिंग करने की हिदायत कर दी। कोशिशों के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को साफ पानी देने के लिए अवामी नुमाइंदों को सबसे पहले अपनी नीयतें साफ करना होंगी। पानी की फराहमी का वो निज़ाम बनाना होगा जिसके जरिए अवाम और अवामी नुमाइंदों दोनों के ग्लास में पीने का पानी एक जैसा हो। लेकिन फिलहाल सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, अवामी और सरकारी पानी में आखिर फर्क है क्या, ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार की मेहरबानी से अवाम को पीने का पानी तो मिलता है, लेकिन साफ नहीं होता। आर्सेनिक, इंसानी फजला और कई खतरनाक अज्जा अवामी पानी में शामिल है। इस पानी को भी घर तक लाने में अवाम को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जब ये पानी गिलास से गले में जाता है तो कई बीमारियां साथ लाता है। हेपेटाइटिस बी, सी, पेट की बीमारियां इस पानी से अवाम को आम मिलती हैं। जहां अवाम का गिलास पानी नहीं परेशानी से भरा है, वहीं अवामी नुमाइंदों के गिलास में हाई क्लास पानी मौजूद रहता है। अवामी नुमाइंदों के लिए दस्तियाब बेहिसाब पानी में तमाम मिनरल्स शामिल होते हैं, एक बेहतरीन निज़ाम से गुजर कर अवामी नुमाइंदों तक आता है। तो जनाब, पाकिस्तान में साफ पानी की तारीफ अवाम के लिए कुछ और अवामी नुमाइंदों के लिए कुछ और है। सिंध में साफ पानी की प्यास में शहरी एक अरसे से खून के घूंट पी रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वादों और दावों से तंग आ चुके, खुदा करे कि अदालती अहकामात पर अमल हो जाए। सेम है, कुछ हिस्से में नहीं है, लेकिन ज्यादातर अल्लाह वाटर में पानी नहीं है। 10 दिन में 2-3 दिन आता है पानी, और वो भी 2 घंटा 1 घंटा आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। हफ्ते में 1-2 दिन है, और वो भी अगर 1 दिन रखो तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद पानी आता है यहाँ पर। सीवरेज का निज़ाम भी बहुत ख़राब है। है तो वाटर सप्लाई का, मगर वो साफ नहीं है, उसमें पटकरी वगैरह डाल के दोबारा उबाल के फिर हम पीते हैं, वैसे पीने के काबिल नहीं है। शहर का पानी तो बिल्कुल ख़त्म है, ये जो नहर का पानी है ये तो बिल्कुल बदबू, इसमें गंद सब कुछ इसमें पड़ा होता है। पानी आ रहा है वाटर सप्लाई का, वो बहुत गंदा आ रहा है, उसमें से हेपेटाइटिस सी और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। सफाई करके छान के फिटकरी लगा के फिर पीते हैं। ऐसा गंदा पानी कीचड़ के तरह आता है, ऐसा जैसे नाली की बदबू आ रही है। ये है कि पानी बिकता है,
अब लेके पीना पड़ता पैसों से। तो शहरी साफ पानी न आने पर खफा हैं, जबकि वजीर आला सिंध अदालत में बुलाए जाने पर खफा हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चाहता तो अदालत नहीं जाता, लेकिन सोचा जब चीफ जस्टिस मेरे सूबे के आवाम के बारे में सोच रहे हैं तो लगा मुझे साथी मिल गया। पानी के मसले पर डॉक्यूमेंट्री एक दरख्वास्त गुजार की थी, मुस्बत चेहरा नहीं दिखाया गया। उन्होंने अदालत तलब किए जाने पर शिकवा भी किया। 48 के तहत मुझे इम्यूनिटी हासिल है और मैं नहीं जाऊं कोर्ट पे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब चीफ जस्टिस मेरे लोगों के बारे में सोच रहा है सिंध के सूबे का, तो मेरा एक पार्टनर मुझे मिल गया। भाई वो डॉक्यूमेंट्री जो पिटिशनर है ना, उसकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है। देखिए प्रॉब्लम्स हैं, मैंने हमेशा ये कहा, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो नहीं दिखाई गई ना। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, इसमें 88% से ज़्यादा पानी आलूदा है। पहले लाहौर की रिपोर्ट है कि 100% पानी में आर्सेनिक। एक प्रॉब्लम पूरे मुल्क पे है और वो की कहता था, जजेस ने एक्नॉलेज किया इस बार। उन्होंने तो इतना कहा कि हमने उधर जाना चाहिए था, हमने इधर सिंध में आके दूसरे लोगों के साथ ज्यादती की है, इसलिए आप लोग तो काम कर रहे हैं, चले हमारी वजह से कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। मुराद अली शाह खुद तो 5 लाख बार जा सकता है बुलाने पर, रोजाना जा सकता है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को बुलाने से पहले जरूर उन्होंने सोचा समझा होगा। सिर्फ वजीर आला सिंध ही नहीं, इस मामले में पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल का नाम भी आया, लेकिन उनका मौकफ़ यह है कि आलूदा पानी की वजह से कराची का हर दूसरा शहरी हेपेटाइटिस में मुब्तला है। K4 का फेज़ 2 अगर वक्त पर मुकम्मल हो गया तो शहर से पानी की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। कराची में हदूद का तनाज़ा भी मसाइल हल करने नहीं देता, जबकि महमूदाबाद प्लांट की ज़मीन अलाट नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि पानी और सीवरेज का काम वजीर आला का नहीं बल्दियात का है। आज कराची में पानी की रिक्वायरमेंट 1240 मिलियन गैलन है। आज कराची को 640 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। आज ही जरूरत है K4 फेज 2 को भी आज ही शुरू करने की, ताकि K4 फेज 1 260 मिलियन गैलन पानी और K4 फेज 2 260 मिलियन गैलन पानी एक टाइम पे कंप्लीट हो जाए, जब जाकर कराची को पानी मिलेगा। कराची की आबादी 16 मिलियन नहीं है, कराची की आबादी आज 2.5 करोड़ 2.75 करोड़ है और 2020 तक कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ हो जाएगी। S3 का जो मंसूबा था वो मैंने अपने ज़माने में कंसीव किया था, 7.9 अरब रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था। टॉप अप लगा कर इसको 42 अरब रुपए का कर दिया है, उसमें से 3.5 अरब रुपए खर्च भी कर लिया, अब ये प्रोजेक्ट ठप हो गया है। आधे से ज्यादा सिंध और अंदरूनी सिंध जाए तो तकरीबन सारा सिंध जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी का मरीज हो गया है। ऑनरेबल जजेस जो है वो इस मसले को, इंसानी मसले को उन्होंने उजागर किया है। यहाँ से लेकर सिंध भर में जो हालात हैं, जो वीडियो दिखाई गई हैं, वो अबतर है। उधर पानी के चक्कर में बिल्डर्स को भी मुंह की खाना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के बिल्डर्स को 2 टोक अल्फाज में साफ कह दिया, किसी को भी कसीरुल मंजिला इमारतें बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लोग बीमारी से मर रहे हैं और बिल्डर्स को अपनी इमारतें बनाने की पड़ी है। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सर एक मिनट, हमें कुछ कहना है, इमारतों पर पाबंदी से मुतालिक बात करनी है। ये जुमले थे कराची के इन बिल्डर्स के, जो शहर में कसीरुल मंजिला इमारतें बनाना चाहते हैं। ये बिल्डर्स अपनी दरखास्त लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे। अदालत ने फौरी रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची के लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं और आपको अपनी बिल्डिंग्स की पड़ी है। 20 अफराद की जगह पर सैकड़ों लोगों को बसाया जा रहा है, आप लोगों को लाकर अदालत पर दबाव डालना चाहते हैं। अदालत ने बरहम होकर पहले बिल्डर्स की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद की, फिर बिल्डर्स की गैर मशरूत माफी पर दरखास्तें सुनने की यकीन दहानी। नहीं लगता है कि पंजाब हुकूमत को नाराजियां ले डूबी हैं। राणा सनाउल्ला के इस्तीफे का मुतालबा पूरा न होने पर सज्जादा नशीं ऑफ सियाल शरीफ पीर हमीदुद्दीन सियालवी काफी बरहम हैं। पीर हमीदुद्दीन सियालवी ने अपने हिमायत याफ्ता अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के इस्तीफों और हुकूमत से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान कर दिया है। के लिए तो एजाज है यहाँ तशरीफ लाना, वो जरूर तशरीफ लाएंगे, मैं भी साथ आऊंगा। हजरत के सामने तमाम तहफ़ुज़ात जो हैं वो हजरत के दूर किए जाएंगे।
इंतहाबी इस्लाहात बिल और राना सनाउल्ला के बयान पर हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद मुतालबात पूरे ना होने पर पीर हमीदुद्दीन सियालवी ने बरहमी का इजहार किया है। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत ने उनसे वादा खिलाफी की है। वो और उनके हमायत याफ्ता अराकीन असेंबली हुकूमत और मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान करते हैं। इन इस्तीफों का ऐलान 10 दिसम्बर को धोबी घाट फैसलाबाद में खत्म नबूवत कन्वेंशन में होगा। तो एक शख्स के पीछे पूरे मुल्क को तबाह करना ये कोई अकलमंदी नहीं। इन्होंने कहा था मुझे कि हम 3 दिन के बाद आएंगे और इस्तीफा साथ लेकर आएंगे, ना ये आए हैं ना इस्तीफा आया। फैसलाबाद में जलसे के लिए चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा और एमपीए गुलाम निजामुद्दीन सियालवी ने दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के ऑफिस में जमा करा दी है। और अब बात करेंगे वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सियाल की, जो कहते हैं कि जाफिर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मकतूल जाफिर के वालिद का कहना है कि जो हमारे साथ हुआ वो पहले भी दूसरों के साथ हो चुका है। फैजान जलीस मजीद बताएंगे। वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सियाल मकतूल जाफिर के घर पहुंच गए, वालिद से ताजियत की। सोहेल अनवर सियाल का कहना था कि मुलव्वस मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मकतूल जाफिर के वालिद का कहना था कि जो हमारे साथ हुआ वो पहले भी दूसरों के साथ हो चुका है। ये चीज़ आज मेरे बेटे के साथ हुई है, उससे पहले भी इस तरह के और इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेट्स मेक श्योर कि जी इसके बाद ना हो। इस मौके पर वजीर दाखिला ने वारदात में मुलजिमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए 50,000 रुपए।